आप एक चीज बहुत सुंदर बता रहे थे और जो मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग की जिस बात ने, कि शिल्प में हम दरअसल किसी भी चट्टान को छीलते हैं तो वो एक सब्स्ट्रक्शन का विधान है। आप चीजों को कम करते हैं, आप बाहरी आवरणों को कम करके भीतर की चेतना को, या हम कहें कि भीतर के सौंदर्य को प्रकट करते हैं एक शिल्पकार। तो अभी हिमांशु जी से बात हो रही थी तो हिमांशु जी बता रहे थे कि अभी चीजों को हटा रहा हूं मैं, जो इस पिछले 100 साल के दरमियान जो चीजें ऐड हुई इस घर में, तो अभी वो सब्स्ट्रक्शन का जो विधान है उसमें आप निरंतर लगे हुए हैं। और वो जो हटने का जो सुख है, जो चीजों को डिटैच करने का जो सुख है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं एक दार्शनिक भाव भी सर का छिपा हुआ है। क्योंकि ये जिन्होंने बनाया वो विद्वान ऋषि तुल्य मैक्स मुलर स्वयं ने उनको ऋषि का किया। हाँ, मैक्स मुलर के पत्र हैं उनके नाम के, पंडित लाल चंद्र जी महाराज। उन्होंने कहा कि आप तो ऋषि पुरुष हैं जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब उस व्यक्ति की बनाई हुई घर है ये, तो उसको उन्होंने कुछ सोच के बनाया होगा। वो ज्योतिष भी थे, लेखक थे, 18-20 साल काशी में रह के अध्ययन किया था उन्होंने। और उस समय में भी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी इनके सदस्य रहे, संवाद करते थे। पाणिनि की ग्रामर को उन्होंने पूरा वर्सिफाई किया, वो पुस्तक है। तो अब वो व्यक्ति, उसकी क्या इच्छाएं रही होंगी इस मकान के पीछे, तो मुझे वो उसका संधान चलता रहता है कि इन स्थानों को लेकर वो यहाँ बैठे होंगे क्या, यहाँ खड़े क्यों होते होंगे, ये क्यों रखवाया होगा अंदर, उन्होंने वो वहाँ क्या करते होंगे। सोर्स कुछ भी नहीं है, अभी जितना डॉक्यूमेंट अपन चीजें कर सकते हैं उस समय कुछ भी नहीं था। तो यू हैव टू गो बाय ऑब्जेक्ट्स टू द माइंड, वो एक बहुत पोइटिक प्रोसेस है। और फिल्म फोटोग्राफी जैसा ही है, इम्परफेक्शन है उसके अंदर, कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ मिलेंगी, बट इट्स वर्थ इट। वो करने का एक वो साधना ही जैसा हो जाता है फिर, वो पता लगाना चीजों को। तो अभी हवेली के साथ वो चल रहा है चीजें। तो अभी फिलहाल लग रहा है कि कला एक माध्यम है जिसके थ्रू हम थोड़ा थोड़ा उनका जो स्पिरिचुअल चेतना थी उस तरफ जा सकते हैं थोड़ा। बाकी तो अभी सब चल ही रहा है धीरे धीरे, इट्स अ स्लो वॉक। चलिए, नमस्कार। छोटी सी मुलाकात हम लोगों की, आगे भी हो। हाँ, निसंदेह जी। हाँ।